ये देखो बुकिंग हमने डिवाइस कर ली बंद, ड्यूटी कर ली ऑफ, ये बुक करते रहे, बुक ही नहीं हुई, दूसरे के पास जा रही थी। बोले राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम 8:30 हमारे पास राइड आ चुकी थी। सिंहपुर से पिकअप था और यहाँ घंटाघर छोड़ना था। प्राइम सेडान की बुकिंग थी ओला में, तो ओला के हम ड्रॉप कर दिए हैं। 270 रुपए बने हुए थे, तो भाई उनसे हमने पेमेंट ले लिया। ऑपरेटर हमारा 200 कुछ रुपए मिला हुआ है। अरे देखो बुकिंग आ रही है, लेकिन हमारे मतलब कि नहीं, इसको हम कर रहे हैं पास। तो इससे पहले भी ये बुकिंग आ चुकी थी, एक और आई थी। तो ये क्या है, जूही हुई जाना, मतलब जाम में फंसना है, इसलिए हम उधर की जो है लोकेशन, उधर लोकेशन की बुकिंग जो है हम नहीं रिसीव कर रहे हैं। देख रहे हैं अगर वीआईपी रोड की तरफ की इधर कहीं मिले, कल्याण पर की, इंदिरा नगर की, कल्याणपुर की, इंदिरा नगर की, सिंहपुर की, बिठोर की, मंदना की, गुरुदेव की, इस साइड की मिलेगी तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा सा करेंगे वेट, क्योंकि अभी समय ज्यादा हुआ नहीं, जल्दी निकल भी आए थे। तो देखते हैं कितने बाद सही राइड आती है, उसके बाद निकलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर जाके फंसना कोई समझदारी का खेल नहीं होगा। यहाँ से चले जाएंगे, वहां पर कितनी देर बाद मिलेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो भाई कल का हमारा देखा था, बहुत बढ़िया हुआ था। कल तो और भी लेट निकले थे, आज तो जल्दी निकल आए, राइड भी आ गई थी, तो लेके चले आए। गाड़ी भी गंदी है, हालांकि बारिश का मौसम है यार, गाड़ी धुलवा भी लेंगे तब भी फिर गंदी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करेंगे अगर जो जहां पे जाएंगे उसके आसपास कहीं धुलवाने वाला होगा तो गाड़ी भी धुलवा लेंगे। अभी क्या है, खड़े हैं घंटा घर में, यहाँ पे कोई धुलने वाला पास में कोई है नहीं। वो भी सुबह सुबह 9:30 बजे हैं। जो दुकानें भी होंगी भाई दूर हैं, तो थोड़ा सा अभी खुली भी नहीं होंगी, 10-11 बजे बाद ही खुलेंगी। तो अभी यहाँ बैठ के कर रहे हैं वेट, देखते हैं बुकिंग हमारी कितनी देर बाद थी, और बुकिंग आएगी तो हम अपडेट आपको जरूर बताएंगे। और देखो भाई हमारी सीएनजी वगैरह देख लो, सीएनजी अभी खत्म होने वाली है, पेट्रोल तो खैर है ही, और गाड़ी हमारी 19.9 मतलब 20 किलोमीटर चलने वाली है। अब 20 किलोमीटर जो है चली है और 200 कुछ रुपए हमको ऑपरेटर मिल चुका है, तो कुल मिला के सही है, दिन की शुरुआत सही हो चुकी है। आगे देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके हाँ, तो भाइयों 4 घंटे की रेंटल हमारे पास आ चुकी थी, हम गाड़ी धुलवा ही रहे थे, बुकिंग आ चुकी थी और बाहर से साफ कर दिए थे उसने, अंदर अंदर जो है कपड़े वगैरह मार रहा था। तो हमने कहा भैया जल्दी करो, कस्टमर का बार बार फोन आ रहा था, उसको हर्ष नगर से उठाना था रिजेंटा से। तो भाई कस्टमर को पिक कर लिए, पिक करके आ गए, और उनको जो है यहाँ आना था चक्रपुर मंडी के पास में, एक फैक्ट्री है यहीं पे, इनका कुछ मीटिंग वगैरह है उसी में आना था। ये आइसर का शोरूम है सामने, यहीं बगल में ही थे, इसी में हम लोग आए हुए हैं। देखो ये, और एक गाड़ी और आई हुई थी लखनऊ से, जो कि वो खड़ी हुई है। तो भाई आने के बाद ड्रॉप कर दिए हैं, 11 बजे इनको हमने पिकअप किया था और बज रहे हैं 1:30, मतलब 12:30 हो गए, अभी 1.5 घंटे और ये साथ में रहेंगे, उसके बाद ही ख़त्म होगी राइड। जब राइड आई थी हमने बात कर ली, सर कहाँ जाओगे, तो बोला कि यहाँ जाना है। हमने कहा सर ड्रॉप कहाँ करना है लास्ट में, बोले नहीं कानपुर वापस आना है। हमने कहा ठीक है तब तो चलेंगे, नहीं तो आप आउट स्टेशन बुक कीजिए, क्योंकि आउट स्टेशन में आती है वो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं वापस आप स्टेशन छोड़ देना आके, उसके बाद आप फ्री हो। हमने कहा ठीक है, तो ला के यहाँ छोड़ दिए थे, तो हमसे बोले 1.5-2 घंटे यहाँ लगेंगे, तुमको खाना वगैरह खाना हो तो अपना खा के आराम से ही बैठना। तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो आए नहीं। अब यहाँ से बाहर का आपको नज़ारा दिखाते हैं, गाड़ी उड़ी साफ कराई थी भाई, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो अपना जो है इस तरह है हिसाब किताब, वो ड्राइवर तो रहा भाई 100 गाड़ी में। ये देखो साफ अप कराने के बाद फिर ये अपनी गाड़ी एकदम मस्त ही होगी। देखो टायर एकदम काले से लग रहे हैं, बारिश में यार गाड़ी सफाई बहुत मांगती है, ये देखो है ना, ये देखो ये नीट एंड क्लीन एकदम जो है, टायर वगैरह एकदम झमाझम, रिम वगैरह एकदम साफ सुथरे थे, आगे से पीछे से सब जगह से ओके है। तो अब यही कर रहे हैं वेट, ये बगल में ही हाईवे देखो, ये ओला फ्लीट की गाड़ियाँ इधर बगल में ही खड़ी थी। वो सामने सीएनजी पंप दिख रहा है आपको, वो बोर्ड दिख रहा, हम जूम करके दिखाते हैं आपको, सीएनजी का पंप है और वो दिख रहा होगा, उसी के बगल में जो है गली है और
गाड़ियां वहीं पे खड़ी थी ओला के फ्लीट की, 2-3 साल तक यार्ड वहीं बना रखा था। उसके बाद सब लीलाम हो गई, सब बिक गई जिसको जितना लेना था जिस रेट में। तो कर रहे हैं वेट, देखते हैं कस्टमर हमारा कितने देर बाद आता है, कब छोड़ेगा, कितनी गाड़ी चलने वाली है और कितना पेमेंट बनेगा, सारी डिटेल बताएंगे आपको, बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। हाँ तो भैया बात करें टाइम की, तो टाइम बज गया 3 और हमारी रेंटल पूरी हो चुकी है। 11 बजे उठाया था, 4 घंटे की रेंटल थी। ये तो बोल रहे थे 5 बजे तक हमारे साथ रहिए, तो हमने कहा नहीं 2 घंटे तो बढ़ जाएंगे, आप दोबारा बुक कर लीजिए। तो भाई जैसे ही राइड खत्म की वैसे ही देखा कि ऑनलाइन पेमेंट था, कॉर्पोरेट अकाउंट था, कंपनी के बंदे थे ये, मीटिंग में गए थे। तो हमने कहा इनके साथ में जाने से कोई फायदा है नहीं, बुकिंग हमने डिवाइस कर ली बंद, ड्यूटी कर ली ऑफ, ये बुक करते रहे, बुक ही नहीं हुई, दूसरे के पास जा रही थी। बोले कोई बात नहीं, अभी आप जाओ, हम फिर बाद में कर लेंगे। चले गए, अपना पंडित होटल छोड़ दिया पीछे, इधर ही पीछे है, तो ये देखो हम अभी खड़े हैं पंडित होटल के पास में। तो इनको जब होगा तो अपना बुक कर लेंगे। ये NRI सिटी की देखो बुकिंग आ रही है, तो इसको करते हैं एक्सेप्ट, उबर की राइड है, एक्सेप्ट कर लिया। और भाई 4 घंटे का 800 कुछ रुपए कंपनी ने हमको दिया है, और 2 बुकिंग में 1,066 रुपए हो गए। ये देखो 2 बुकिंग की ओला की, अब की अब एक उबर की एक्सेप्ट की है। अब उबर की एक्सेप्ट करने के बाद जाएंगे NRI सिटी और देखते हैं फिर ये कहाँ जाएंगे। तो चलिए ठीक है भाई, देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पिकअप कर लिए, पिकअप के लिए, पिकअप करने के बाद फिर बताते हैं आपको आगे का डेट। तब तक भाई बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो भैया हमारा काम हो चुका है 1300 रुपए का, और सारा का सारा ओला में ही हुआ है, उबर में एक भी काम नहीं। अब सीधा हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपने काम से, क्योंकि एक टायर है भाई साहब के पास, उनका क्या नाम है मिस्त्री साहब का? अमरनाथ, और कोना थाना के पास है उनका गैरेज है। एक टायर उन्हीं से लाए थे भाई, अनटच टायर, लगा नहीं था गाड़ी में, वैसे ही रखा हुआ था, बस खरीद के ले गए थे किसी को देने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्यों दिए नहीं। उनसे हमने 2000 रुपए ले लिया था ना, 2000 रुपए दिए थे ना। अभी फोन आया था 2 दिन पहले कि भाई साहब एक टायर और आया है, देख लो अगर आपके मतलब का है तो ले लो। तो मैं चलो अच्छी बात है, अब जा रहा हूँ उन्हीं के गैरेज पे। ये राहुल अपना, इसे तो मिल ही चुके हो गए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, और इसी के मार्फत से मिस्त्री से मिले थे, तो इसको लिवा के जा रहे हैं। अगर टायर पसंद आया भाई तो टायर ले लेंगे, स्टपनी में अपने को जरूरत है, नहीं भी लेंगे तो अभी काम चल जाएगा, और ले लेंगे तो इसको स्टपनी में डाल देंगे, तो अपना काम चलता रहेगा। अब सबसे पहले देखते चल के अपने मतलब का है भी कि नहीं है। अभी देखो हम देख रहे थे ऋषि का वीडियो, तो हमने कहा चलो अपना भी वीडियो शूट कर लेंगे, अभी हो जाएगा अंधेरा, अब काम क्या ही करेंगे, 1300 काम हो ही चुका है, 300 रुपए CNG निकाल दो, 1000 रुपए बचत इतना बहुत है, ज्यादा कमा क्या करेंगे, रखेंगे, क्योंकि ओला तो दे नहीं रहा स्टेशन, रेंटर हालांकि दी थी 4 घंटे की, उसी में काम हो गया, वो भी ना आई होती तो आज का दिन गड़बड़ ही था। अब चलते हैं सीधा टायर लेते चल के, फिर दिखाएंगे अगर लेते हैं तो, अगर जो हमारे मन का नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। इससे पहले भी 4 टायर दिखाए थे लेकिन वो अपने मतलब के नहीं थे, मना कर दिया था, एक टायर मतलब का था वो ले लिया था, अब ये वाला भी देखने जा रहे हैं, मतलब का होगा तो ठीक है कोई बात नहीं। भाई वो टायर तो निकला था गड़बड़, हम जा रहे हैं घर की तरफ। टायर वैसे देखने में सही था, जब उन्हें फिटिंग कराया तो उसमें भाई कट लगा हुआ था, और कट वो जो है पक्का पंचर बनवाते तभी वो बन पाता, तो हमने कहा हमारे लिए तो बेकार है, 1000 रुपए उसको दे देते, लेकिन वो कट लगा हुआ था तो हमने कहा भाई 300 रुपए देंगे, तो बोला ठीक है पूछ के बताएंगे। तो भाई उसको वापस दिए, जो फिटिंग कर रहा था उसको 50 रुपए दिए, बोला भाई साहब 50 रुपए और दीजिए। हमने भाई साहब रख लो यार, क्योंकि अगर जो हम फिट करा लिए होते तो आपको डबल मेहनत भी ना करनी पड़ती, प्लस हम अपना पुराना टायर भी यही छोड़ के जाते जो कि 150 रुपए का आप बेच ही लेते, तो हमारा घाटा हो रहा था। अभी आप भी कुछ सही है भाई, आप भी कुछ एडजस्ट कीजिए, तो मान गया हमने, चलो 20 रुपए आते जाते फिर कभी दे देंगे। तो भाई वो तो टायर वाला तो अपना काम हो गया खराब, भाई सारा दिन की अर्निंग हुई सिर्फ ओला में 1300 रुपए की, प्राइवेट का आज कोई काम था नहीं, उबर में कोई काम था नहीं। 101 किलोमीटर देखो गाड़ी चल चुकी है, CNG खत्म होने वाली है, और हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ अपने। तो भाई ऐसा होता है कभी कभी जब काम नहीं होता है तो भाई नहीं होता है, हालांकि आ रहा था लेकिन हमने किया नहीं टायर की वजह से। हमने कहा चलो यार अगर सस्ता टायर मिल रहा है 1000 रुपए में, आधे से ज्यादा माल था भाई, मजा आ जाता,
लेकिन वो किस्मत हमारी बुरी थी, जब फिट कराया भाई उसमें कट लगा हुआ था, हमने कहा भैया रहने दो रिस्क नहीं लेंगे, 1000 रुपये बहुत होते हैं ठीक है ना, उसके बाद बनवाते 300-400 रुपये पक्का पंचर बनवा लेता। तो हमने सोचा हटाओ रिस्क मत लो। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपने अर्निंग देखी ली 1300 रुपये, 300 रुपये CNG निकाल दो 100 किलोमीटर में, हालांकि ज़्यादा लगी होगी लेकिन क्या है कि 1000 रुपये डेली घर में हमें बचा के भी ले जाना है, तो इसलिए आज का जो है बचत 1000 रुपये जोड़ते हैं और खर्चा 300 रुपये ही रखते हैं, नहीं तो कभी कभी तो 1000 रुपये भी खर्चा निकाल देते हैं जबकि CNG इतनी खर्चा नहीं होती है। तो आज 400 की भी खर्चा हुई होगी तब भी जो है कोई बात नहीं सब चलता रहता है। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय।